नमस्कार, संस्कृत विजडम चैनल में आपका स्वागत है। आज के हमारे निबंध का विषय है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन महोदय। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन महोदय महान दूरदर्शी आसीत। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन महोदय महान दूरदर्शी थे। महोदयस्य जन्म तमिलनाडु राज्यस्य तिरुवल्लूर इति मण्डलस्य एकस्मिन् लघुग्रामे 18-88 वर्षे सप्टेम्बर मासस्य पञ्चतमे दिने अभवत्। महोदय का जन्म 1888 में 5 सितंबर को तमिलनाडु राज्य के तिरुवल्लूर मंडल के एक छोटे गांव में हुआ था। महोदयस्य पितुः नाम सर्वपल्ली वीरस्वामी महोदयः आसीत्। महोदय के पिता का नाम सर्वपल्ली वीरस्वामी महोदय था। महोदयस्य मातुः नाम सीतम्मा इति आसीत्। महोदय की माता का नाम सीतम्मा था। महोदयः एकः उत्तमः शिक्षकः प्रसिद्धः लेखकः च आसीत्। महोदय एक उत्तम शिक्षक और प्रसिद्ध लेखक थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन महोदयः भारत देशस्य प्रथमः उपराष्ट्रपतिः द्वितीयः राष्ट्रपतिः च अभवत्। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन महोदय भारत देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। महोदयः शिक्षायाः प्रबल समर्थकः आसीत्। महोदय शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। महोदयस्य शिक्षण क्षेत्र कार्यस्य कारणात् तस्य जन्मदिवसः शिक्षक दिवसस्य रूपेण आचर्यते। महोदय के शिक्षण क्षेत्र में कार्य के कारण उनका जन्मदिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। महोदयः अनेक पुरस्कारैः सम्मानितः, येषु प्रमुखः भारतरत्न पुरस्कारः अस्ति। महोदय अनेक पुरस्कारों से सम्मानित थे, जिसमें प्रमुख भारतरत्न पुरस्कार है। सर्वेभ्यः भारतीयेभ्यः डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन महोदयस्य विचाराः प्रेरणादायकाः सन्ति। सभी भारतीयों के लिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विचार प्रेरणादायक है। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।